हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, मैं आप लोगों को आज काइन मास्टर के जरिए इस तरह की वीडियोस बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग उड़ता हुआ किस तरह से इस तरह का वीडियोस बना सकते हैं। और आज मैं आप लोगों को सेटअप बाय सेटअप सिखाऊंगा कि आप लोग भी इस तरह के जो है ना इफेक्ट्स वीडियो काइन मास्टर में किस तरह से बना सकेंगे। दोस्तों, आपने पूरी वीडियो देखनी है, मैं आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से और ईजिली आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से इस तरह के वीडियोस बना सकेंगे। अगर आप न्यू हैं, आपने पहले काइन मास्टर यूज़ की हुई है या नहीं, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बिगनर्स की तरह से सिखाऊंगा कि आप लोग इसमें से किस तरह से सीख सकेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इस तरह की वीडियोस लाता रहता हूं। शुक्रिया। तो दोस्तों, अब हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पे आ गए हैं और यहां पे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा किस तरह से आप लोग बना सकते हैं। आपने पहले काइन मास्टर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने 16:9 का रेशो जो है ना सेलेक्ट कर लेना है यूट्यूब के लिए। तो दोस्तों, एक यहाँ पे क्लाउड का जो है ना वीडियो है जो मैंने डाउनलोड की है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे। यानी कि बादल का, चलते हुए बादल का जो है ना एक वीडियो है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यही सेलेक्ट कर लेनी है ये वीडियो। तो इसके बाद मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगा, ये आप देख रहे हैं। तो इसके बाद आप लोगों ने एक दूसरा वीडियो भी जो है ना बनानी है, वो वीडियो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप भी उस तरह का ग्रीन स्क्रीन में वीडियो बनाएंगे। फिर आपने लेयर पे क्लिक करके वो वीडियो जो है ना एक्सपोर्ट करना है। यहाँ पे ये मैं ले आ रहा हूँ, तो आप देखेंगे, ये देखें मैंने इंपोर्ट की है ये वीडियो। तो आप इसकी कटिंग करेंगे, क्रॉप करेंगे इसको, जहाँ से आपको चाहिए होगा वो आप क्रॉप करेंगे, जो ऐसा आपको ज़रूरत नहीं होगी वो आप इसमें से कट कर लेंगे हम। तो दोस्तों, इसके बाद आपने लेयर पे क्लिक कर लेना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपने दोबारा इस पर क्लिक करके क्रोमा की में जाना है और इसको अनेबल कर लेना है। इसके बाद आप अपनी तरह से इसे एडजस्ट कर लें जो है ना ग्रीन स्क्रीन, आप इसका रिमूव करें पीछे का, तो ये आपको वीडियो पूरी तरह लगेगी जैसे कि ये क्लाउड में खड़ा है। तो इसके बाद आपने इसको सेलेक्ट करके वीडियो को पीछे लेना है और की को जो है ना दबाना है। इसके बाद इसने आपने इसको थोड़ा आगे करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एंड वाली पॉइंट में आपने इसको लाना है और आपने इस करेक्टर को उठा के यहाँ पे गुम कर लेना है। उसके बाद आपने फिर इस की को की के ऊपर दबाना है। दोस्तों, इसके बाद आपने सिंपली प्ले पे क्लिक कर लेना है। ये देखें आप, ये उड़ता हुए बादलों में जा रहा है। दोबारा प्ले करके इसको देखते हैं, ये देखें, ये VIP वीडियो बन। दोस्तों, आपने क्लाउड वाली वीडियो में भी जो है ना जितना आप इसका वीडियो, आपके वीडियो का साइज़ होगा उतने तक आप रखें, बाकी एरिया को आपने यहाँ पे कट करके जो है ना ख़त्म कर लेना है। इसके बाद फिर से एक बार मैं आप लोग को चला के दिखाता हूँ, ये देखें दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।